नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस समय की बड़ी खबर वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी हुई सामने आ रही है। वैष्णो देवी मंदिर में बीती रात भगदड़ मची है। इस भगदड़ के दौरान 12 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है, जबकि कई जख्मी हुए हैं। राहत कार्य जारी है, जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना के बाद ट्वीट किया है। उन्होंने साथ ही मुआवजे का ऐलान भी किया है कि मुआवजा दिया जाएगा जो मृतक हैं और जिनका इलाज चल रहा है, और इसके ऊपर दुख का इजहार किया है। राहुल गांधी द्वारा भी इस घटना के ऊपर दुख का इजहार किया गया है। बता दें कि बीती रात बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान माथा टेकने से पहले भगदड़ मची है, जिसके चलते बड़ा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है। नव वर्ष में ही पहली बड़ी घटना सामने आई है कि भगदड़ मचने से 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जबकि कई जख्मी हुए हैं। राहत कार्य जारी है। मेरे नेबर हैं, एक्चुअली हम लोग 8-10 लोग आए थे। ये हमारे नेबर हैं, मतलब हम लोग 8-10 लोग इकट्ठे आए थे जी। वो क्या सर? स्टैम्पेड ही हुआ है सर। स्टैम्पेड इसलिए हुआ क्योंकि लोग इतने ज्यादा थे, रास्ता था नहीं। हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊँ। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊँ, और जिसने दर्शन नहीं किया तो सोचा मैं पहले जाके दर्शन कर लूँ। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, संबंधित मंत्रियों से भी बात की जा रही है। पूरे हालातों का जायजा लिया जा रहा है कि क्या कारण रहे, इसकी जांच भी की जाएगी कि भगदड़ कैसे मची और किस तरह से घटना घटित हुई। इसी के चलते आपको बड़ी खबर बता दें कि बड़ी खबर वैष्णो देवी माता के दरबार से सामने आ रही है, जहां पर भगदड़ मचने से 12 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है और कई जख्मी हुए हैं। राहत कार्य जारी हैं। जैसी बड़ी अपडेट आएगी आपके सामने लेकर फिर हाजिर होंगे। बने रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।